और तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आपको स्नैपशीट और लाइट रूम ये दोनों ऐप को यूज़ करके कुछ इस तरह से सभी फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, वो भी एकदम नए तरीके से। तो आप भी अपने फोटो को सभी फोटो एडिटिंग करना सीखना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और एक प्यार से कमेंट करना ना भूले। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों इस फोटो को बनाने के लिए आपको यहाँ पर दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, पहला है लाइट रूम और दूसरा है स्नैपशीट। यहाँ पर आपको सबसे पहले लाइट रूम ऐप को ओपन करना पड़ेगा जो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तब डायरेक्टली उसको वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपके यहाँ पर एक ग्रीन प्रेसेट को ऐड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आपके यहाँ पर कोने में ट्रिपल रो दिख रही स्मॉल इस पर टच कर देना है, और यहाँ से आपको कॉपी सेटिंग पर टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर राइट वाले आइकन पर टच कर देना है। फिर आपने इसे थोड़ा बैक लेना है, और यहाँ से आपको जिस फोटो को भी एडिट करना है उसको सिंपल से ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है। फिर आपके यहाँ पर ट्रिपल डॉट पर टच कर देना है, और यहाँ से इसको सिंपल से पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो आप देख सकते हो जस्ट वन क्लिक में कुछ इस तरह से हमारा फोटो यहाँ पर एडिट होकर तैयार हो चुका है। तो आपको इसको अब सेव करना है, यहाँ से आपको सिंपल से शेयर वाले आइकन पर टच कर देना है, और यहाँ से आपको इसको सेव टू कॉपी डिवाइस कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर सेव भी हो चुका है। फिर आपके यहाँ से इसको कट कर देना है। फिर आपके यहाँ पर स्नैपशीट ऐप को ओपन करना पड़ेगा, वो भी आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। फिर आपके यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर टच कर देना है, और हमने अभी लाइट रूम के अंदर जिस फोटो को भी एडिट किया उसको सिंपल से ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर स्नैपशीट ऐप के अंदर ओपन हो चुका है। फिर आपके यहाँ पर टूल्स वाले आइकन पर टच कर देना है, और यहाँ से आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको एक डबल एक्सपोजर का एक आइकन दिख रहा है, सिंपल से टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर गैलरी वाले आइकन पर टच कर देना है, और यहाँ से आपको एक पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आपके यहाँ पर स्टाइल वाले आइकन पर टच कर देना है, और यहाँ से इसको सिंपल से लाइटन कर देना है। फिर आपके यहाँ पर ओपिसिटी वाले आइकन पर टच कर देना है, और यहाँ से इसकी ओपिसिटी थोड़ी कम कर देनी है। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको एडजस्टमेंट कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से राइट वाले आइकन पर टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर टूल्स वाले आइकन पर टच कर देना है, और यहाँ से आपको फिर से डबल एक्सपोजर वाले आइकन पर टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर गैलरी वाले आइकन पर टच कर देना है, और यहाँ से आपको और एक पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आपके यहाँ पर स्टाइल वाले आइकन पर टच कर देना है, और इसे भी यहाँ पर लाइटन कर देना है। फिर आपके यहाँ पर इसको छोटा करके यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर देना है। फिर आपके यहाँ पर राइट वाले आइकन पर टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर टूल्स वाले आइकन पर टच कर देना है, और यहाँ से आपको एक सिलेक्टिव टूल्स का एक आइकन दिख रहा है, सिंपली इस पर टच कर देना है, और यहाँ से आप फोटो को थोड़ा जूम कर लेना है, और यहाँ पर अपने फेस पर जो भी ब्लैक एरिया है उस एरिया पे आपको सिंपल से टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करके उस एरिया को आपको यहाँ पर थोड़ा कवर अप कर देना है। फिर आपके यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, और सैचुरेशन को भी यहाँ से थोड़ा कम कर देना है। तो आप देख सकते हो वो एरिया यहाँ पर व्हाइट हो चुका है। तो यहाँ पर अपनी बॉडी पर जो भी ब्लैक एरिया है वो सब एरिया पर आपको सेम प्रोसेस कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से राइट वाले आइकन पर टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर टूल्स वाले आइकन पर टच कर देना है, और यहाँ से आपको सिंपल से डबल एक्सपोजर वाले आइकन पर टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर गैलरी वाले आइकन पर टच कर देना है, और यहाँ से आपको पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा पीएनजी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपके यहाँ पर सिंपल से स्टाइल वाले आइकन पर टच कर देना है, और यहाँ से इसको लाइटन कर देना है। फिर आपके यहाँ पर इसको छोटा करके कुछ इस तरह से यहाँ पर कोने में सेट कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से राइट वाले आइकन पर टच कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा फोटो यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है। अब इसको सेव करने हैं, तो यहाँ से आपको सिंपल से एक्सपोर्ट वाले आइकन पर टच कर देना है, और यहाँ से आपको सेव वाले आइकन पर टच कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर सेव भी हो चुका है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और एक प्यार से कमेंट करना ना भूले। और ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड न्यू वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।